अभी कुछ दिनों पहले एक एनिमे रिलीज हुआ है जिसका नाम है विक्टोरिया वॉन्ड एंड सॉर्ड। ये जो एनिमे है इसका पहला एपिसोड देखने के बाद में आपको थोड़ी बहुत ब्लैक क्लोवर, काइजू नंबर 8 और मैशली जैसे एनिमे की याद आएगी, क्योंकि देखा जाए तो इस वाले एनिमे की स्टोरी ब्लैक क्लोवर और मैशली से काफी ज्यादा सिमिलर है। लेकिन इस वाले एनिमे का एनिमेशन और उसका बैकग्राउंड स्कोर काफी ज्यादा टॉप नॉच है। लाइक अगर आप एक बार इस वाले एनिमे के अंदर घुस गए तो आप सीधा एपिसोड खत्म करके ही बाहर निकलोगे, क्योंकि इस वाले एनिमे को देखते टाइम आपको ऐसा बिल्कुल भी नहीं लगेगा कि आप कोई एनिमे देख रहे हो, क्योंकि ये वाला एनिमे जो है वो पूरी मूवी वाली वाइब देता है। तो इस वाले एनिमे की शुरुआत होती है अपने मेन प्रोटैगनिस्ट विल से। विल जो है वो एक मैजिकल एकेडमी में पढ़ता है, लेकिन वहां पर उसके पास में कोई भी मैजिक नहीं है। लाइक अपना एमसी आस्था और मैश जैसे कोई भी मैजिक यूज नहीं कर सकता है। विल और अल्फारिया ने बचपन में एक प्रॉमिस करा होता है कि वो आगे चलकर मागिया वेंडर बनेंगे। यहाँ पर हमको स्टोरी के अंदर पता चलता है कि इस वाले एनिमे के वर्ल्ड को डार्कनेस के अंदर ट्रैप करके रखा गया था, और इसीलिए इस वाले वर्ल्ड के लोगों को ये तक पता नहीं था कि स्काई असलियत में दिखता कैसा है। और उसके बाद से ही ये लोग हमेशा से सेलिस्टियल होस्ट के डर में रहते थे। उन लोग ने ही इस वाले वर्ल्ड को डार्कनेस के अंदर बंदी बना के रखा था। और उसके बाद में आगे चलकर पांच विदर्स का एक ग्रुप आता है और वो लोग इस वाले वर्ल्ड से डार्कनेस को हटा के फिर से लाइट को रिस्टोर करते हैं। और उन्हीं पांच विदर्स को मैजिया वेंडर कहा जाने लगा, और तभी से मैजिया वेंडर इस वाले वर्ल्ड का हाईएस्ट टाइटल है। और तभी से ये पांच मैजिया वेंडर सेलिस्टियल होस्ट को रोक के इस वाले वर्ल्ड से डार्कनेस को दूर करते हैं। लाइक जैसे आस्था को विजर्ड किंग बनना था, वैसे यहाँ पर अपने मेन प्रोटैगनिस्ट को मागिया वेंडर बनना है। लेकिन यहाँ पर एल्फारिया जो रहती है वो काफी ज्यादा ओवर पावर्ड रहती है, इसलिए वो बहुत ही ज्यादा कम टाइम के अंदर मागिया वेंडर बन जाती है और पीछे रह जाता है अपना एमसी जो कि मैजिक ही यूज नहीं कर पाता है। तो मैजिया वेंडर बनने के लिए आपको एक तो न्यू टाइप का मैजिक क्रिएट करना पड़ेगा, या तो सेकंड ऑप्शन ये है कि आपको मैजिकल एकेडमी के अंदर 2200 क्रेडिट्स को जमा करना पड़ेगा। तो यहाँ पर अपना एमसी रिटर्न टेस्ट के अंदर स्कोर करके और डंजन के अंदर बॉसेस को हरा के क्रेडिट्स को जमा कर रहा है। लेकिन अपना एमसी इतना कुछ करने के बावजूद भी आगे चलकर मैजिया वेंडर बन पाता है, यही आपको इस वाले एनिमे के अंदर देखने को मिलेगा। तो ओवरऑल ये वाला एनिमे काफी ज्यादा बढ़िया है, इसके अंदर का जो एनिमेशन है वो मुझे काफी ज्यादा पसंद आया, और साथ ही इस वाले एनिमे के जो पेसिंग है वो काफी ज्यादा बढ़िया है। लाइक इन लोग ने एनिमे को बिना बात के स्ट्रेच करने का नहीं सोचा है। इस वाले एनिमे की कॉन्सेप्ट आपको बाकी अदर एनिमे से सिमिलर लग सकती है, लेकिन इस वाले एनिमे के अंदर ऐसी बहुत सारी चीजें हैं जो कि इसको बाकी अदर एनिमे से डिफरेंट बनाती है। भले ही आप इस वाले एमसी के गोल से इतना ज्यादा रिलेट नहीं कर पाओगे कि अपने बचपन के फ्रेंड से जो प्रॉमिस करा है उसको पूरा करने के लिए और उसके साथ में रहने के लिए अपना एमसी इतना स्ट्रगल कर रहा है, अब ये तो उनकी बैक स्टोरी रिवील होने के बाद ही पता चलेगा। तो होपफुली गाइस आपको आज का यह वीडियो पसंद आ गया होगा। तो जाते जाते इस वाले वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब भी करते हुए जाना। तो चलो गाइज आज के इस वीडियो के लिए बस इतना ही, मैं मिलता हूँ आपको आगे आने वाले किसी वीडियो के अंदर, तब तक के लिए सायोनारा।